हारमोनियम सीखने के लिए इस लाल कलर वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं घंटी के निशान को और ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभिषेक संगीत यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अभिषेक। आज इस वीडियो में हम आपको राग यमन के बारे में बताऊँगा। अगर आप लोग सिर्फ राग यमन का आरोह और अवरोह और पकड़ ये तीन चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो राग यमन के जितने भी गाने हैं वो सारे गाने आप अपने आप से खुद से हारमोनियम पर निकाल लोगे। मैं आप लोगों को लाइव हारमोनियम पर बजा करके दिखाऊंगा। अगर आप लोग सिर्फ तीन ही चीज़ें राग यमन की सीख लेते हो, क्या, आरोह और अवरोह और पकड़, अगर ये तीन चीज़ें अच्छी तरीके से सीख लेते हो तो राग यमन के अंतर्गत जितने भी गाने व भजन या कव्वाली आते हैं वो सारे कव्वाली भजन गाने आप अपने आप खुद से हारमोनियम पर निकाल लोगे। मैं आप लोगों को लाइव हारमोनियम पर बजा करके सिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखना, अगर काट काट करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आओ सबसे पहले राग यमन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो जानना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। देखो, राग यमन में केवल तीव्र मा का प्रयोग होता है, बाकी सारे जितने भी स्वर होते हैं वो सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। सिर्फ राग यमन में तीव्र मा का प्रयोग होता है और ये थाट कल्याण के अंतर्गत आता है। जो राग यमन है वो थाट कल्याण के अंतर्गत आता है। इसका वादी स्वर होता है गा और संवादी स्वर होता है नी। वादी का मतलब क्या होता है? वादी का मतलब ये होता है जो स्वर बार बार प्रयोग किया जाता है, और संवादी उसे कहते हैं जो वादी से थोड़ा कम यूज किया जाता है। जो स्वर वादी से थोड़ा कम यूज किया जाता है उसे कहते हैं संवादी। इसकी जो जाति है वो संपूर्ण है, क्योंकि इसके आरोह में भी सात स्वर लग रहे हैं और अवरोह में भी सात स्वर लग रहे हैं, इसलिए इसकी जाति है संपूर्ण। इसका गायन का समय है रात्रि का प्रथम पहर, यानी कि 6 बजे से 9 बजे तक के इस राग को गाया जाता है। तो आओ आप देखते हैं इसका आरोह और अवरोह, उसके बाद पकड़, फिर उसके बाद इसी राग में बजने वाले गानों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आरोह। आरोह हमारा क्या है? सा रे गा हमारा हो गया आरोह। अब देखेंगे अवरोह। सा नी द प म ग रे सा, ये हमारा हो गया अवरोह। अब देखेंगे पकड़। पकड़ पकड़ इसकी क्या है? पकड़ है नी रे ग गरे सा पा मा गरे सा। एक बार पकड़ दोबारा देख लें, नी रे गरे सा पा हमारी हो गई पकड़। अब जितने स्वर हमने आपको आरोह और अवरोह और पकड़ में बताया हूँ, इन्हीं स्वरों में, इतने ही स्वरों में हम आप लोगों को इसी राग के जितने भी फिल्मी गाने में भजन हैं उन गानों और भजनों को बजा करके बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, काटना मत, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहला और प्रथम गाना देखेंगे जो बहुत फेमस है और आप सभी लोगों ने इसको सुना भी होगा। कौन सा है? छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी, ये गाना जो है ये राग यमन में है।
तो इस गाने को आप लोगों ने देखा, इस गाने में कौन कौन से स्वर लग रहे हैं? सारे स्वर राग यमन के लग रहे हैं। कौन कौन से? सा लग रहा है, शुद्ध रे लग रहा है, शुद्ध गा लग रहा है, मा लग रहा है, और पा लग रहा है, और शुद्ध नी लग रहा है। यानी कि सारे जो स्वर हैं वो राग यमन के लग रहे हैं। अब दूसरा गाना देखेंगे इसी राग में। दूसरा गाना कौन सा है? वो भी बहुत फेमस है। चंदन साबदन चंचल चितवन धीरे से तेराए मुस्काना। ये भी पूरा गाना राग यमन में है। जितने स्वर आप लोगों ने आरोह और अवरोह में बजाए थे वही सारे स्वर इसमें लग रहे हैं। कौन कौन से? चंदन साबदन पामागरे सा चंदन साबदन चंचल चितवन धीरे से तेराए मुस्काना। पूरा गाना राग यमन में है, सारे स्वर वही लग रहे हैं। अब देखेंगे तीसरा गाना इसी राग का। अब आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। ये भी पूरा गाना राग यमन में है, सारे स्वर जो हैं वो राग यमन के ही लग रहे हैं। कौन कौन से? पा मा गा रे सा नी धा सा, यानी कि सारे स्वर राग यमन के लग रहे हैं। अब इसके बाद देखेंगे एक फेमस कव्वाली सी राग में, कौन सी? लाल मेरी पते रखियो बला झोले लाल रे सरड़ी दा जेवन दास की साबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। सारे स्वर राग यमन के लग रहे हैं। कौन कौन से? पा धा सुधनी तीव्र मा गा रे सा, यानी कि सारे स्वर राग यमन के लग रहे हैं। अब इसी राग में एक गाना और देखेंगे, कौन सा है वो? तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहने दो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहने दो। ये भी गाना पूरा राग यमन में है। और एक गाना देखेंगे, कौन सा? होठों से छू लो तुम मेरा प्यार अमर कर दो। तो देखा आप लोगों ने, जितने सारे गाने मैं अभी आप लोगों को बजा करके दिखाया हूँ वो सारे गाने राग यमन के थे। और भी कई गाने हैं, काफ़ी गाने राग यमन के हैं। अगर सारे गाने बताऊंगा तो बहुत सारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ आपको कुछ ही गाने बताया हुआ हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आप लोग अच्छे तरीके से राग यमन का आरोह और अवरोह और पकड़, ये तीन चीज़ों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो, सिर्फ तीन चीज़ों को, तो आप लोग राग यमन के जितने भी सारे गाने होंगे वो सारे गाने आप बहुत ही आसान तरीके से हारमोनियम पर खुद से निकाल लोगे, और आप लोग पहचान भी लोगे कि ये गाना कौन से राग में है। अगर आपका आरोह और अवरोह और पकड़ ये तीन चीज़ तैयार हो गई तो आप लोग बड़ी आसानी से पहचान भी लोगे। अगर आपके सामने राग यमन का कोई भी गाना आता है तो आप लोग सुनकर के ही बता दोगे कि ये गाना राग यमन का है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से फ़ायदा होगा, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।